हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे। इसके लिए मैंने मेथी को अच्छे से चुन लिया है, उसके जो एकदम टिप वाला पोर्शन है, मैंने वो सॉफ्ट वाला पोर्शन है उसे उसी को यूज़ किया है, उसको लिया है, अच्छे से धो के काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स, अजवाइन, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और बॉईल किए हुए आलू, ये सब सारी चीज़ों से मिला के मैंने आटा सान लिया है। तो सॉफ्ट डो लगाएं और उसके बाद एक पीस उसका उसमें से बॉल काट लिया और उसको हम आटे के सहारे अच्छे से बेल रोल आउट कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, रोटी के जैसे बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने गोल इसको बेल लिया। अब तवा गरम कर लेते हैं। तवा में थोड़ा तरह तवा गरम हो जाए तब हम इस पराठे को, सॉरी, इस रोटी को इसके ऊपर डाल देते हैं। इसको अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से, पहले एक तरफ हो जाए फिर दूसरी तरफ उसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ये एक साइड से हो गए थे तो मैंने पलट दिया, और दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर आना स्टार्ट हो गया है, तब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल के इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं और इतने हेल्थ बेनिफिट के साथ बनाए जाते हैं कि इसे हमें ये खास करके विंटर के सीज़न में ये मिलता है बहुत अच्छा, और इसको हमें खाना ही चाहिए। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तो सबको खाना चाहिए, इसलिए आप किसी भी तरह से ये मेथी को अपने डाइट पे यूज़ करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें हमने तेल ज़्यादा डाल दिया है तो एक और रोटी बेल के उसके ऊपर डाल दीजिए, उसको भी अलट पलट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा तेल है फ्राई करने के बाद वो दूसरा वाला जो पराठा है उसमें वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका ये वाला पराठा ड्राई हो जाएगा। ये एक टिप है। अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है और ज़्यादा तेल आपसे गिर गया है तो आप ये चीज़ आजमा के इसको सुखा सकते हैं और एकदम ड्राई कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए दूसरे पराठे को भी हम अच्छे से ऐसे ही बना लेते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। ऐसे ही अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें, और इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि बच्चे आपको एक की जगह दो, दो के जगह तीन, तीन की जगह चार भी मांग सकते हैं। आप रेडी रहिए इसको जस्ट बनाने के लिए। ये इतने सॉफ्ट और इतने, आप कितना पतला बेलेंगे उतना सुंदर ये सॉफ्ट और क्रंची, साइड वाला क्रंची रहता है और बीच में सॉफ्ट रहते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नरम है और बहुत ही खाने में स्वाद आता है। अजवाइन ज़रूर डालें। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये है आज फाइनल डिश।